तो गाइस ITL पर वीडियो में वीवो का Y9019-08, इसे आप जो है MRT से कैसे अनलॉक करेंगे ये देखें। 1908 है, इसमें लॉक लगा हुआ है। तो हम जो है इसे पावर ऑफ करके इसको कनेक्ट करेंगे। शीशा मिल जाएगा और बॉडी भी नहीं मिलेगी। तो ये पावर ऑफ हो चुका है। अब जो है हमने MRT ऑन कर रखी है, मैं आपको MRT दिखा देता हूँ। सारी वायरिंग हो रखी है इधर सीधी। तो MRT का वर्जन है हमारा 3.95, ठीक है, आप वर्जन देख सकते हैं 3.95। इधर हमने जो है Y83 सिलेक्ट किया हुआ है। Y83 सिलेक्ट करके हम फॉर्मेट अनलॉक पे टच कर देंगे, ठीक है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखें Y83 और फॉर्मेट अनलॉक। इसके बाद हमने फ़ोन को अपने ऑफ कर रखा है। ये हमारी डाटा केबल इसमें लगी हुई है, ये डाटा केबल लगी हुई है इसके अंदर। और हम जो है अब वॉल्यूम डाउन की के साथ इसे कनेक्ट करेंगे। स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, ये हमने स्टार्ट कर दिया। अब मोबाइल पावर की ऑन के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हो गया, कनेक्ट हो चुका है हमारा मेटा मोड पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मेटा मोड पे हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। पहले जो है एक बार में इसकी जो है बैटरी का ऑप्शन आ गया था, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा होल्ड करना है, ठीक है। ये रहा फ़ोन और स्क्रीन सामने आपके, मैं जूम आउट कर देता हूँ। डाटा केबल लगी हुई है इसमें, ये देखें ये डाटा केबल इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पे देखें होल्डन आ गया, नीचे होल्डन आ चुका है, ठीक है गाइस। अब हम जो है इसको ऑन कर लेते हैं। चार्जिंग का बोर्ड भी आ गया इधर। तो अब हम जो है इसे पावर का बटन दबा के इसे ऑन कर लेंगे। अब ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय ले लेगा। जैसे अब यहाँ पे हमें वेट करके चेक करना है कि ये कितना समय ले रहा है, क्योंकि अभी जो है हमने इसकी अनलॉकिंग की है, तो इसमें थोड़ा सा जो है समय लग सकता है। तो आप देखते रहें कि इसका आगे का प्रोसेस कैसा होगा। अगर इसमें पासवर्ड हमारा सेट नहीं होता तो हमें जो है इसकी FRP बाईपास करनी होगी। तो जब हम FRP बाईपास कर लेंगे इसकी, तो उसके बाद जो है ये इसका गूगल अकाउंट रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं होती तो फिर तो हमें वो FRP बाईपास वाला ऑप्शन अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। पासवर्ड सेट होने के बाद जो ये ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा जब हम अपने इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे इसे। तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा समय ले रहा है, हमें वेट करना है यहाँ पर। वीवो का Y90 इजीली जो है सक्सेस हो चुका है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। इजीली जो है ये हो गया है। तो अभी भी ये लोगों पर ही है, तो देखते हैं कितना समय ले लेगा ये।
गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि जब हम फ्लैशिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है इसका रिन्यू होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी मैंने जो है आपको स्टेप तो पूरा बता ही दिया है कि आप इजीली कैसे स्टेप कर लेंगे और हो जाएगा ये आपका फटाफट। तो आपके सामने ही ये हुआ है, जैसे हमारे ओप्पो के मेटा मोड से कनेक्ट होके फ़ोन अनलॉक होते हैं, उसी तरह से ये वीवो का भी मेटा मोड पे जाके कनेक्ट हुआ है। तो ये हो चुका है हमारा वीडियो, थोड़ी सी रिबूटिंग में टाइम लेता है तो स्किप कर दिया। तो अब ये हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं, इसको एग्री, यहाँ से स्किप, गूगल अकाउंट, नेक्स्ट, ये इसको स्किप करें। पासवर्ड तो हमें सेट करना ही पड़ेगा, पैटर्न डाल देते हैं, क्योंकि पासवर्ड सेट नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो है गूगल अकाउंट रिमूव नहीं होगा। अब जो है हमें फिर से वाईफाई से कनेक्ट करके आगे प्रोसेस करना होगा। तो ये हमारा हो चुका है, अब हम इसको स्किप कर देंगे, स्किप, इसको भी स्किप कर देंगे, नेक्स्ट, स्किप, यूज नाउ। तो गाइस ये हमारा जो है एंड्रॉइड स्टार्ट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।